हेलो दोस्तों, व्हाट इज फीडर वेसल। एक्चुअली आपने वेसल के बारे में तो सुना होगा, लेकिन ये फीडर वेसल क्या होता है, चलिए बात करते हैं फीडर वेसल के बारे में। मायसेल्फ अमित मुलानी फ्रॉम अमित मुलानी एंड टीम, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर एंड इंटरनेशनल ट्रेड एडवाइजर। दोस्तों, फीडर वेसल ये काइंड ऑफ वेसल है जो साइज में छोटा होता है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और कई बार इसको शॉर्ट सी वेसल भी बोला जाता है। दोस्तों, आप सब ने बड़े वेसल तो देखे ही होंगे जिसमें बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं। ये जितने भी बड़े वेसल हैं वो कहाँ पे एंकर होते हैं, बट ऑब्वियस मेन पोर्ट पे। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में टोटल 18 मेन पोर्ट्स है जहाँ पे बड़ी वेसल्स आती है। अब ये वेसल के अंदर जो छोटे छोटे कंटेनर हम लोड करते हैं, उन कंटेनर को रिसीव भी हम इंडिया के अलग अलग पार्ट से करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई कंटेनर इनलैंड कंटेनर डेपो से आया, मान लो कोई कंटेनर कोई और सिटी से आया, या तो कोई इंडस्ट्रियल एरिया से आया जो मिडल पार्ट ऑफ इंडिया में है, तो ऐसे जितने भी कंटेनर्स होते हैं उनको हम लोड करते हैं मेन वेसल के ऊपर, जिनको हम बोलते हैं मदर वेसल। मदर वेसल मतलब जिनके ऊपर इन सारे कंटेनर्स का बर्थिंग होता है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ छोटे वेसल होते हैं जिनको हम बोलते हैं फीडर वेसल, जिसमें कंटेनर की संख्या तकरीबन 100 से 150 तक हो सकती है, और ये वेसल इंडिया के जो स्मॉल पोर्ट है वहाँ से कंटेनर को लोड करके लेके आते हैं मेन पोर्ट पे, और फिर मेन पोर्ट पे उसे अनलोड करके मदर वेसल के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, इंडिया के अंदर अगर हम बात करें स्मॉल पोर्ट की, तो मोर देन 180 स्मॉल पोर्ट्स अवेलेबल है। अब ये जितने भी स्मॉल पोर्ट्स हैं वहाँ से अगर कंटेनर को ट्रांसफ़र करना हो बाय सी, तो हम ये स्मॉल वेसल्स का यूज़ करते हैं जिनको हम फीडर वेसल बोलते हैं, और ये फीडर वेसल 100-150 कंटेनर को लेके मेन पोर्ट पे आता है, और फिर यहाँ से कंटेनर को मदर वेसल पे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो दोस्तों, फीडर वेसल की बदौलत जो भी कंटेनर ट्रांसफरिंग का कॉस्ट है वो कई गुना कम हो जाता है, और जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली एक्सपोर्टर इम्पोर्टर को दे सकता है। और इसी तरह से फीडर वेसल इंपोर्ट में भी यूज़ होते हैं, क्योंकि कई बार जब बाहर से गुड्स आता है तो मेन पोर्ट से फीडर वेसल के द्वारा इस कंटेनर को स्मॉल पोर्ट पे, यानी कि जो भी हमारे डिफरेंट स्पॉट है जहाँ पे ये कंटेनर लोड होकर ट्रांसफ़र होते हैं, वहाँ तक पहुँचाया जाता है। सो दोस्तों, दिस इज व्हाट अबाउट द फीडर वेसल, जो कि एक काइंड ऑफ द वेसल है, बट साइज में ये छोटा होता है, और इसीलिए उसे शॉर्ट सी वेसल भी बोला जाता है। दोस्तों, ऐसे ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की रिगार्डिंग नीटी गिटी को समझने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं अमित मुलानी एंड टीम के साथ। आगे आने वाले टाइम में और भी मजेदार वीडियो के साथ आपके सामने हम रिप्रेजेंट होंगे। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।